हाथरस में मेडिकल स्टाफ और कर्मियों की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपस्थिति चेक करने के लिए सीएमओ ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हसायन का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान सीएमओ को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हसायन में स्वास्थ्य कर्मी और स्टाफ सहित करीब 12 कर्मी अनुपस्थित मिले। सभी स्वास्थ्य कर्मियों से सीएमओ ने स्पष्टीकरण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किए हैं। स्पष्टीकरण में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा संतोषजनक जवाब ना दिए जाने पर अनुपस्थित पाए गए स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जिले के स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ब्रिजेश राठौर को कस्बा हसायन स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य कर्मी और स्टाफ के समय से ना पहुंचने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ब्रिजेश राठौर ने मंगलवार की सुबह स्वास्थ्य कर्मियों की समय से उपस्थिति को चेक करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हसायन का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी ब्रिजेश राठौर को स्वास्थ्य कर्मी और स्टाफ कर्मी सहित करीब 12 कर्मी अनुपस्थित मिले, जिनसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी ब्रिजेश राठौर ने स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ब्रिजेश राठौर ने बताया कि स्पष्टीकरण में संतोषजनक जवाब न मिलने पर निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं डॉक्टर ने मेडिकल स्टाफ की समय पर चेक करने के लिए आया था, लगभग मुझे एक दर्जन कर्मचारी समय पर ना आए, अनुपस्थित मिले हैं, अनुपस्थित समय पर नहीं आए। सर क्या कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ? इनके खिलाफ वो जो कार्रवाई होती है वो की जाएगी।